वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और बहुत बड़े और बहुत सारे अपडेट सामने निकल के आए हैं सीबीएसई की तरफ से। अगर तुम क्लास 10th में हो या 12th में हो, टर्म 1 के एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो ओएमआर शीट मिलेगी, किस तरह की मिलेगी, वो रिलीज कर दी है, ठीक है। दूसरी बात, अब तक क्या होता था कि बच्चे को वहां पे जाके अपना नाम कॉपी में फिल करना होता था, रोल नंबर लिखना होता था, क्लास लिखनी होती थी, सब्जेक्ट लिखना होता था। इस बार पहली बार सीबीएसई ने बड़ा अच्छा काम किया है। जब आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आपको आपका नाम लिखा हुआ, रोल नंबर लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ, सब कुछ मिलेगा। आपका काम है केवल क्वेश्चन को आंसर उसमें सर्किल करना। इसके बाद आपको बता दूं, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा साइड में, वो आपको बता देंगे, वैसे तो आपको दिख जाएगा। उस कोड को आपको अपनी जो भी आपकी आंसर की है उसमें साइड में एक स्पेस बना होगा, उसके ऊपर उस कोड को लिखना है। एक और बात, जब आपको वो ओएमआर शीट मिल जाएगी जिसमें आप अपने आंसर टिक करोगे, उसमें एक ऑप्शन आपसे पूछेगा, क्या आप अपनी ओएमआर शीट से सेटिस्फाइड हैं, क्या सारी डिटेल्स, आपका नाम, रोल नंबर, क्लास वगैरह सब सही है। अगर आप कहते हो सब सही है, तो एक जगह वो आपसे साइन करवाएंगे, वहां पे आपको साइन करना होगा। बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है बच्चों के बीच में कि सर क्या मैं पेंसिल से कर सकता हूं, क्या मैं जेल पेन से कर सकता हूं। तो भैया, सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, या तो आप ब्लू बॉल पेन या आप ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे, कोई भी पेंसिल का यूज नहीं करेगा और कोई भी जेल पेन का यूज नहीं करेगा। आपकी जो ओएमआर शीट होगी उसके अंदर 60 क्वेश्चन का स्पेस होगा। अब मान के चलो क्वेश्चन उसने पूछे आपसे 40 या 45, लेकिन उसमें स्पेस है 60 का। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फिर भी गोले बनाएंगे या कुछ करेंगे, तो सीबीएसई ने यह चीज क्लियर कर दी कि आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं या वो वाले जो डार्क सर्कल्स हैं, वो अटेम्प्टेड माने नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, जो बिल्कुल अलग किया है सीबीएसई ने, इस बार जो 4 सर्किल ए बी सी या डी, उसके साथ जो स्पेस दिया है, सपोज करो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है बी, तो आपने बी को जब सर्किल किया, तो उस वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा बी, तब बी। अब यहां पे बच्चा पूछ सकता है कि सर जब मैंने डार्क सर्किल कर दिया तो मैं बी क्यों लिखूं। चिल्ड्रन, हो सकता है सीबीएसई डबल चेक कर रही है इस बात को कि इन केस अगर कोई गड़बड़ी ना हो, तो वो डबल मतलब मेक श्योर कर रही है कि किसी भी तरह से, तो आपने बी को इधर भी सर्किल किया और बी आपने उस बॉक्स में भी लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई, आपके पास टाइम कम है या आप गोला नहीं बना पाए, लेकिन आपने उसका आंसर लिख दिया सी डी ए जो भी था बॉक्स में, तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको सीबीएसई के सर्कुलर से बता रहा हूं जो आज ही रिलीज हुआ है, और इस ओएमआर की जो शीट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं। और जैसा कि मैंने वादा किया है, इंग्लिश बाबा जो भी अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपके लिए लेके आएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।